बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले पार्ट 1 गिवन है, आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर और थीटा भी गिवन है 1/2 रेडियन, और फाइंड करना है रेडियस यानी कि आर, और आर्क लेंथ का फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। उसके बाद सोल्व करते हैं इसी फार्मूले के थ्रू। आर है यहाँ से थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय थीटा। सबसे पहले एल की वैल्यू लिखें, 5 सेंटीमीटर डिवाइड 1/2। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये मेथड ज़रा मुश्किल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि 2 पर जाकर मल्टीप्लाई कैसे होगा। इसका इजी मेथड आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर वाले लिख लें 5, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता, उसके बटे के नीचे 1 तो होता ही है, ठीक है। सबसे पहले जो मेन बटा था ये, उसे आप यूँ तकसीम की फॉर्म में लिख लें, बटे की फॉर्म में जो इसकी नोटेशन है मैथमेटिकल उसमें लिख लें। उसके बाद 1/2, यानी कि 5 डिवाइड हो रहा है 1/2 पे, ठीक है। अब 5/1 लेफ्ट साइड एज इट इज रहती है। उसके बाद साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यानी कि 2/1, ठीक है। मेन बटे को आपने इस तरह लिख लेना है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाली नीचे से, 5 2 10 1 1 1 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। जिस यूनिट में आर्क लेंथ गिवन होगी, रेडियस भी उसी यूनिट में फाइंड करना है। यहाँ पे आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है, और जो आंसर आएगा रेडियस का वो भी सेंटीमीटर में होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 पे। गिवन है आर्क लेंथ 56 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल गिवन है 45 डिग्री, फाइंड क्या करना है रेडियस, और फार्मूला में मालूम है एल इज इक्वल टू आर थीटा। सबसे पहले तो थीटा का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है और डिग्री नहीं है। सबसे पहले तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला, 5/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। आंसर क्या आ गया, 5/4 रेडियन। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करें। सबसे पहले तो थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आर एज इट इज, और थीटा इस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। ऊपर लिखें एल की वैल्यू 56 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखें 5/4। सबसे पहले इसे भी उसी मेथड के थ्रू करें, 56 डिवीजन का निशान 5/4, ठीक है। अब 56 सेंटीमीटर तो एज इट इज मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, पाई की वैल्यू लगा दें, पाई की वैल्यू 3.1415 के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेटर पर सोल्व कर लें, 56 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 3.1415 से डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पर सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 71.3103। सबसे पहले देखते हैं कि आर्क लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में फाइंड होगा।